अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड गुड मॉर्निंग। आई होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 22। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव डन द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 5 इन द प्रीवियस लेसन। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज। लुक एट एक्सरसाइज बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज आर्ट। आर्ट क्या है, इसका आंसर हम बुक में से लेंगे। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 20। पेज नंबर 19, लेसन के स्टार्ट से ही हम देखेंगे। आर्ट इज समथिंग ब्यूटीफुल मेड बाय अ पर्सन। एक सेंटेंस हम पहला यहां से लेंगे, आर्ट इज समथिंग ब्यूटीफुल मेड बाय अ पर्सन। और इसके बाद इसी पैराग्राफ में हम फोर्थ लाइन में आ जाएंगे, 1 2 3 4, फोर लाइन में। आर्ट कैन बी सीन इन पेंटिंग्स, कार्विंग्स ऑन रॉक्स एंड वुड, ऑन फैब्रिक्स, इन ज्वेलरी, म्यूजिक एंड पोट्री एक्सेट्रा। द पीपल हु क्रिएट आर्ट आर कॉल्ड आर्टिस्ट। यहां तक हम इसको टू लाइन्स को कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज आर्ट। पहला सेंटेंस लेंगे, आर्ट इज समथिंग ब्यूटीफुल मेड बाय अ पर्सन। और उसके बाद फोर्थ लाइन में आ जाएंगे, आर्ट कैन बी सीन इन पेंटिंग्स, यहां से शुरू करेंगे और टू एंड हाफ लाइन्स मजीद लिखेंगे, आर्टिस्ट तक इसको कंप्लीट करेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। हाउ हैव वी कम टू नो अबाउट एंशियंट आर्ट। कदीम फन के बारे में हमें किस तरह से पता चलता है, इसका आंसर भी हम पेज नंबर 19 पर लेंगे। सेकंड पैराग्राफ में स्टार्टिंग से देखिए, आर्ट इज एज ओल्ड एज मैन। पहला जुमला लेंगे यहां तक, आर्ट इज एज ओल्ड एज मैन। उसके बाद इसी पैराग्राफ का नेक्स्ट जो सेंटेंस है उस पर चले जाएंगे, थर्ड पे, देयर आर कार्विंग्स एंड केव पेंटिंग्स 15,000 ईयर्स ओल्ड। यानी हमारे जो मुल्क में या फिर दुनिया में बहुत सी जगहों पर अगर देखा जाए तो पत्थरों पर और केव में, गारों में, चट्टानों के ऊपर जो है वो पेंटिंग और खुदाई करके जो डिजाइन वगैरह बनाया जाता है। जैसे ये पिक्चर नजर आ रही है, चट्टानों के ऊपर है, यहां से आप देखें इसकी शेप और पिक्चर नजर आ रही है। ये चट्टानों पर, गारों के अंदर इस तरह की पेंटिंग्स करते थे कदीम जमाने में, और ये तकरीबन 15,000 साल पहले की जो है ना वो इस तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं। पोट्री एंड आर्किटेक्चर डिवेलप्ड सम 10,000 ईयर्स ओल्ड। इसी तरह से जो मिट्टी के बर्तन, जरूफ वगैरह बनाना, उस पर डिजाइनिंग, और उसके साथ साथ जो आर्किटेक्चर है यानी फन तामीर है, बिल्डिंग्स, इमारतें बनाना और उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो डिजाइनिंग की जाती है, ये तकरीबन 10,000 साल पुराना है। कई बिल्डिंग्स मौजूद हैं, इवन पाकिस्तान में भी हैं इस तरह की। बादशाही मॉस्क है और शालीमार गार्डन्स है, लाहौर किला है, और इसी तरह से टेक्सला के मकाम पे और बहुत सी जगहों पे। तो ये फन तामीर जो है, आर्किटेक्चर से भी हमें पता चलता है फन जो है वो इतना पुराना है। एंड द एंशियंट पीपल यूज टू पेंट सीन्स फ्रॉम एवरी डे लाइफ ऑन देयर पोर्ट्रे वासेस। तो हम इसको बल्कि इसको हम यहीं तक कर लेंगे, इट्स एनफ, सम 10,000 ईयर्स अगो, यहां तक। क्वेश्चन 2 का आंसर, पहला जुमला लेंगे, आर्ट इज एज ओल्ड एज मैन, यहां तक लिखने के बाद फोर्थ लाइन में आ जाएंगे, देयर आर कार्विंग्स एंड केव पेंटिंग्स 15,000 ईयर्स ओल्ड, पोर्ट्रे एंड आर्किटेक्चर डिवेलप सम 10,000 ईयर्स अगो। तो कदीम जमाने का जो है वो हमारे पास इस तरह की चीजें हैं जिन्हें देख के पता चलता है कि आर्ट जो है वो इतना पुराना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट द आर्ट हेरिटेज ऑफ योर कंट्री। व्हाट डू यू नो अबाउट द आर्ट हेरिटेज ऑफ योर कंट्री, इसका आंसर भी हमें बुक पे मिल जाएगा, पेज नंबर 20, आर्ट हेरिटेज ऑफ योर कंट्री। पेज 20 पे सेकंड पैराग्राफ जो है आप यहां से देखें, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में एट द एंड ऑफ द लाइन, आर कंट्री हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट। हमारा जो मुल्क है इसमें भी
आर्ट का बहुत बड़ा बहुत वसी विरसा है। यहाँ से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन 3 का आंसर एक जुमला लेकर, बिल्कुल इसी के नीचे, आर्ट के नीचे जो लाइन शुरू हो रही है गंधारा से, गंधारा स्कल्पचर नंबर 3 लिखेंगे यहाँ पर। गंधारा स्कल्पचर पोर्ट्रे एंड स्टैचूज फाउंड इन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड टेक्सिला आर कंसिडर्ड एज ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और टेक्सिला से जो हमें गंधारा स्कल्पचर या मुजस्मे वगैरह मिलते हैं, जो पोर्ट्रे हैं, जरूफ वगैरह मिट्टी के चीनी के बर्तन बनाकर उस पर डिजाइनिंग है, या स्टैचूज जो बुत वगैरह बने हुए जो मिलते हैं, वो सारा जो है वो अजीम फन का जो है फन समझा जाता है। द आर्किटेक्चर पेंटिंग एंड कैलीग्राफी ऑफ द मुगल पीरियड आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसके साथ साथ जो फन तामीर है और जो खताती है, पेंटिंग है मुगलिया दौर का, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये हमारा जो है वो कदीम विरसा है फन का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोबारा से देख लें, सेकंड पैराग्राफ पेज 20 का। आर कंट्री हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट, एक जुमला यहां से लेकर बिल्कुल इसके नीचे वाली लाइन गंधारा से शुरू करेंगे, गंधारा स्कल्पचर से, और फिर 3 लाइन्स हम इसकी लेंगे सेकंड लास्ट लाइन के अंदर, ओवर द ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ सम फेमस आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, राइट द नेम्स ऑफ सम फेमस आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, मौजूदा दौर में भी बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं हमारे जो परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड भी हैं, या इनके अलावा भी आप जो जानते होंगे आप उनके भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जो बुक में है आंसर और जो हमारे पेंटिंग और स्कल्पचर्स रिलेटेड है उनके नाम मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। पेज 20 की लास्ट 2 लाइन्स जो है, पेज 20 लास्ट 2 लाइन्स चुगताई, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं कर रही हूँ। चुगताई, सादिकैन, गुलजी, हाजरा मंसूर एंड मैनी अदर्स आर फेमस आर्टिस्ट ऑफ द ऑफ आर कंट्री नोन फॉर देयर पेंटिंग स्कल्पचर एंड कैलीग्राफी। ये कुछ आर्टिस्ट के नाम हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास है, आपने आपको मैंने लेसन में पढ़ाया था, जो परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड थे, जो हमारे सिंगर्स थे, मेहंदी हसन, नुसरत फतेह अली, नूर जहां, मिस्री खान जमाली, ये इतने सारे हैं, इनको भी अगर आप चाहें तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दे आर फेमस फॉर देयर परफॉर्मिंग आर्ट, अपने जो परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड है वो, लेकिन हम शॉर्ट भी लिख देंगे, जितने भी चाहें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है पेज 20 के लास्ट 2 लाइंस जो हैं वो इनफ है इस क्वेश्चन के लिए, वो आप नंबर 4 में लिखेंगे। ठीक है जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट, आर्ट की जो मुख्तलिफ इकसाम हैं उनके बारे में आपने लिखना है। ये हमारे लेसन के स्टार्ट में था, पेज नंबर 19 पर यहाँ पर आ जाते हैं। आर्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी फॉर्म्स सच एज, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे स्टार्टिंग, ये क्वेश्चन 5 का आंसर है। सच एज के आगे आप कॉलम्स बनाएंगे, ऐसे लिखने के बाद कॉलन, और नंबर 1 हेडिंग देंगे विजुअल आर्ट, जब आप हेडिंग देंगे तो वी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 हेडिंग आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, विजुअल आर्ट विच इंक्लूड पेंटिंग एंड स्कल्पचर, ठीक है। नंबर 1 लिख के, आर्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी फॉर्म्स सच एज, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग विजुअल आर्ट, और आपने उसके आगे लिखना है विच इंक्लूड पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, यहां तक। नंबर 2 सेकंड हेडिंग लिखेंगे आप परफॉर्मिंग आर्ट, इंक्लूड म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड मोशन पिक्चर, बस इतना लिखेंगे। और उसके बाद नंबर 3 जो टाइप है वो है डेकोरेटिव आर्ट्स, आर कंसर्न विद द डिजाइन एंड डेकोरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज सिरामिक्स, ग्लासवेयर, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, फर्नीचर एंड मैनी अदर थिंग्स, ठीक है जी। ये क्वेश्चन 5 का, 3 किस्में हैं आर्ट की। आर्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी फॉर्म सच एज, नंबर 1 विजुअल आर्ट, उसके आगे आपने एक सेंटेंस में विच इंक्लूड पेंटिंग एंड स्कल्पचर, नंबर 2 परफॉर्मिंग आर्ट includes music, dance, theater and motion picture, और नंबर 3 decorative art are concerned with the design and decoration of objects such as ceramics, glassware, textile, jewelry, furniture and many other
थिंग्स। ठीक है जी, इसको भी आप तीन हेडिंग्स की सूरत में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, दीज 5 क्वेश्चंस आर फॉर योर होम टास्क। इज देयर एनी कंफ्यूजन इन योर क्लास वर्क, होमवर्क, यू कैन आस्क मी। ओके, इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।